तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। बिना हेलमेट पकड़ाने पर भाई बहन ने ट्रैफिक सर्जन मैनेजर के कार्यालय में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क से लेकर ट्रैफिक कार्यालय में दोनों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस कर्मियों से भी की धक्का मुक्की। हाई वोल्टेज ड्रामा देख लोगों की उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के बाद लोग पुलिस के साथ ही उलझ जा रहे हैं। ताजा मामला साक्षी चौक का है, जहां बिना हेलमेट पकड़ाने के बाद दो भाई बहन पुलिस कर्मी के साथ ही उलझ गए। इस दौरान एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को हाथ पर चोट भी आई है। पकड़ाने के बाद पुलिस ने दोनों की स्कूटी जब्त कर ली। स्कूटी जब्त होने के बाद दोनों ट्रैफिक के सर्जन मैनेजर के कार्यालय गए, जहां दोनों के हाई वोल्टेज ड्रामा फिर से शुरू हो गए। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बावजूद दोनों शांत नहीं हुए, तो सर्जन मैनेजर रंजीत कुमार ने दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया, जहां दोनों ने एक बार फिर से उनसे बहस शुरू कर दी। इधर मामले को बढ़ता देख पुलिस ने क्रेन मंगवा कर स्कूटी को ले जाने का प्रयास किया, तो युवती स्कूटी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी पार्टी के एक कार्यकर्ता भी दोनों की पैरवी के लिए पहुंचे, पर प्रेस को देखकर वे मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए सर्जेंट मेजर रंजीत कुमार ने बताया कि दोनों को बगैर हेलमेट के पकड़ा गया था, पर दोनों ने पुलिस कर्मी के साथ धक्का मुक्की की। दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने का मामला दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल दोनों को गाड़ी से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। कागजात नहीं देने पर उचित जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा हंगामा होगा तो दोनों पर मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में दोनों भाई बहनों से उनका पक्ष लिए जाने पर उन लोगों के द्वारा मीडिया से भी बकबक किया गया। सोना न्यूज जमशेदपुर से मोहम्मद जाहिद खान की रिपोर्ट। अच्छा, हाई वोल्टेज ड्रामा भी कर रहे थे थाने आपके? हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का केस किया जा सकता है जी, लेकिन देख रहे हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे थोड़ा जज्बात में आके बढ़ जाते हैं, केस हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी गाड़ी को थाने भेजा जाएगा और उनके कागजात को जाँच करके विदाउट हेलमेट का जो फाइन है। अगर ज्यादा हंगामा किए तो फिर ज्यादा हंगामा करेंगे तो उसका कार्रवाई की जाएगी।